हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन हब पे। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। तो हमने अपने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ डीसी पढ़ा था, इस वीडियो में हम सिस्प्रेप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्प्रेप क्या है? ये एक माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम प्रिपरेशन टूल है, जिसका मकसद ये है कि वो डुप्लीकेट करे हमारे विंडोज सर्वर को, उसको टेस्ट करे और फिर डिलीवर कर दे न्यू इंस्टॉलेशन के रूप में, जो कि हमने पहले इंस्टॉल किया था उसी का क्लोनिंग करके। अब इट इज़ अ कमांड लाइन टूल दैट कैन बी रन मैनुअली और थ्रू अ स्क्रिप्ट। ये कमांड लाइन टूल है जो कि मैनुअली भी रन कराया था और स्क्रिप्ट के थ्रू भी। ये आपको इंटरनेट पर जनरली ऐसे आंसर मिलेंगे, और जो मेरा आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। सिस्प्रेप क्या है? स्टैंड्स फॉर सिस्टम प्रिपरेशन टूल विच जनरलाइजेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोवाइड आउट ऑफ द बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे जो इंस्टॉल्ड ओएस हैं उनको जनरलाइज करता है, ठीक है? जनरलाइजेस इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसको करेक्शन करना, मैंने थोड़ा सा इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोवाइड आउट ऑफ द बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? अब इसमें आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि आपने इंस्टॉल किया उसके बाद आपने उसको डोमेन कंट्रोलर प्रोवाइड प्रोमोट कर दिया या डोमेन में ज्वाइन करा दिया, उसके बाद आप जनरलाइज करते हो तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको डोमेन से डिस ज्वाइन करना होगा, नेम आपको वर्क ग्रुप में रखना होगा, या आपको डोमेन कंट्रोलर डी प्रोमोट करने के बाद ही आप क्लोनिंग करना, उसके बाद आप सिस्प्रेप चलाओगे तो वर्क करेगा। क्लोनिंग इंस्टॉलेशन के बाद किया जाता है, या आप बेसिक कन्फिग्रेशन करके क्लोनिंग कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया, अब हम परफॉर्म करेंगे इसका प्रैक्टिकल। तो चलिए आते हैं। तो ये हमारा बेसिक बना हुआ था, क्लोनिंग हमने कर रखा है। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको रिनेम करता हूँ, और रिनेम करता हूँ मैं इसको, करता हूँ एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अभी मैं आपको एडीसी 2016 वाले पे सर्वर पे कंप्लीट कर रहा हूँ, आपको इंस्टॉल करना है 2022 पे, ठीक है? मैंने बस सिस्प्रेप दिखाने के लिए आपको 2016 पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो इंस्टॉलेशन जो होगा हमारा आरओडीसी और सीडीसी डोमेन ट्री, ये सारे 2019 और 2022 पे होगा। अगर आपके पास 2019 ओएस है तो ठीक है, 2022 है तो भी ठीक है, किसी एक पे आपको करना है, ठीक है? और इंस्टॉलेशन सबका सेम रहेगा, बस हम डोमेन जब कंट्रोलर प्रोमोट करते हैं तब स्टेप्स चेंज होते हैं। तो इंस्टॉलेशन पे किसी को कोई इशू है वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेगा। तो चलिए हम जल्दी से इसको पावर ऑन करते हैं। मैं इसको पॉज करता हूँ, जब तक जैसे ही ऑन होता मैं रिज्यूम करता हूँ। तो ये मेरा इंस्टॉल मतलब ओपन हो गया, मैं इसको कंट्रोल एंड इंसर्ट करता हूँ और मेरा आ गया, मैं एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करूँ। तो मेरा सर्वर अभी ऑन हो गया है, मैं इसको करता हूँ क्लोज। हमें आना है यहाँ पे, आपको लिखना है रन, और यहाँ पे आपको लिखना है सिस प्रेप, ठीक है? SYSPREP स्प्रे, ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे सिस्प्रे ओपन हो गया, इसको आप राइट क्लिक करोगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और आप देख रहे हो इंटर सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस ये है। यहाँ पे आपको जनरलाइज क्लिक करना है, जनरलाइज करना है मतलब आप फिर से आप पुराने मोड पे जाना चाहते हो, जैसे सर्वर फर्स्ट टाइम होना चाहिए वैसा ही, और ये रिबूट ऑप्शन, ठीक है? इसमें ऑप्शन है शट डाउन, क्विट या रिबूट, हम रिबूट करेंगे, ओके। अब ये प्रोसेस कर रहा है क्लीन अप जनरलाइज, तो हम इसका प्रोसेस होने देते हैं और वीडियो को पॉज करते हैं। तो अभी ये रिस्टार्ट हो रहा है, इसको रिस्टार्ट होने देते हैं। तो ये अभी डिवाइस को रेडी कर रहा है, अभी आप देख सकते हो गेटिंग डिवाइस रेडी 50%,
तो जैसे ही आपका पहला स्क्रीन आता है ये इस टाइप से आएगा। आप जो अपना रीजन और ये सेट करना है वो आप इस अपने हिसाब से सेट कर लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। एक्सेप्ट अभी ये फाइनलाइजिंग कर रहा है सेटिंग्स का, और ये आप देख सकते हो मेरा सर्वर बिल्ड हो गया बहुत ही कम समय में। तो हमें क्या करना है, सेम वही पासवर्ड डालना जो हमने पहले सेट किया था अपने प्रीवियस सर्वर पे। तो आप देखोगे लॉगिन हो जाएगा, बस पासवर्ड सेम रहेगा, बाकी सारे डिटेल्स आपके जो सिस्टम आईडी है और वो सब चेंज हो जाएगा। सर्वर के अंदर जो जनरलाइज हम जब करते हैं तो वो सिस्टम के आईडी को चेंज करता है, ठीक है। यूजर नेम आपने होस्ट नेम क्या चूज़ किया है, डोमेन क्या है, ये सबको नहीं चेंज करेगा, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम आईडी को, मशीन की आईडी को चेंज कर देता है वो। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा सेटिंग जो माय कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज है, आप देखो ये अभी आप वर्क ग्रुप आप देखो कि सेम टेस्ट वही रखा है, कंप्यूटर नेम उसने लगभग सेम रखा है, बस सिस्टम आईडी चेंज होगा। आप जब सिस पे रन करोगे क्लोनिंग करके तो आप मैच कर लेना कि आपके क्या क्या सेटिंग्स चेंज हुए क्या नहीं आइडेंटिफाई। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये लाना कैसे है ये आपको पता होगा, आपको विंडोज़ पे आना है, राइट क्लिक करना है, सिस्टम पे आना है, सिस्टम पे आ जाएंगे आपको ये बॉक्स दिखेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंस्टॉलेशन का, हम इंस्टॉलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो जिन किसी ने भी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।